Press the bell icon for all updates from Khabri Hindustan. बीजेपी ने सत्ता में आने से पहले वादा किया था कि देश में बड़े स्तर पर रोजगार मुहैया कराया जाएगा। आज मोदी सरकार ने अपना पांचवा बजट पेश किया। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आम बजट 2018 को पेश करते हुए रोजगार और छोटे उद्योगों के लिए बड़े ऐलान किए हैं। लघु और मझौले उद्योगों की बात करें तो सरकार ने पिछली बार के मुकाबले 20% अधिक राशि मुद्रा आवंटित करने का ऐलान किया है। पिछले साल ये राशि 2.44 करोड़ रुपए थी। आपकी जानकारी के लिए बता दें, मोदी सरकार ने यह योजना 2015 में शुरू की थी। अपने भाषण में वित्त मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार ने देश की कमान संभाली थी तो देश में रोजगार पैदा करने की बड़ी चुनौती थी। देश के युवाओं को हर साल 1 करोड़ नौकरियों की जरूरत है। उन्होंने कहा कि ऑटोमेशन की वजह से देश में रोजगार की कुछ कमी हो सकती है। इस फाइनेंशियल ईयर में 70 लाख युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराया गया है। आने वाले वक्त में इसको और बढ़ाने की बात केंद्रीय वित्त मंत्री ने अपने भाषण में कही। बात रोजगार की हो तो ध्यान देने वाली बात यह है कि सरकार ने अपने बजट में महिला कर्मियों को राहत दी है। सरकार ने सभी सेक्टरों में आने वाले वर्षों में 12% का निवेश करेगी। महिला कर्मियों का EPF 12% से घटाकर 8% कर दिया है कि महिला कर्मी ज्यादा सैलरी लेकर घर जा सकेगी।